गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। बेटा आज आप लोगों का टेस्ट है, पाठ है हामिद खान। इसकी सबसे पहले हम दोहराई करेंगे, दोहराई करने के बाद हम लोग आगे शुरू करेंगे काम। संवाद लेखन हम लोगों ने आज एक करना है। मैंने आप लोगों से कल कहा था कि हम संवाद करेंगे, उससे पहले हामिद खान की दोहराई कर लेते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पहले अपने डाउट्स मुझसे क्लियर करवा लो। आप लोग मैम कितने बजे होगा टेस्ट? 10। किसी को इसमें कोई डाउट है तो बेटा अपने डाउट्स पहले क्लियर करवा लो। आपने पढ़ा होगा, कोई प्रॉब्लम अगर उसमें आ रही है तो नो प्रॉब्लम। ओके, एक बार फिर इसकी स्टोरी हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा हम सबको। इसमें हमने पढ़ा था कि तक्षशिला में आगजनी का समाचार पढ़कर लेखक को वहां के नागरिक हामिद खां की याद आई। लेखक ने पढ़ा था कि तक्षशिला पाकिस्तान में आगजनी हो गई है और वहां पर हामिद खान एक व्यक्ति रहता है जिसकी याद लेखक को आ गई। लेखक भारत का रहने वाला है, भारत के मालाबार का रहने वाला है। 2 साल पहले वह तक्षशिला के पौराणिक खंडर देखने के लिए पाकिस्तान गया था। वहां की कड़कड़ाती धूप में एक बार भूख प्यास से बेहाल होकर लेखक लगभग 1.25 मील चलकर एक गांव में पहुंचा। जिस गांव में वो पहुंचा था वहां का जिक्र किया गया है कि कैसा गांव था। वहां गलियों से भरा एक तंग बाजार था। लंबे कद वाले पठान मस्त चाल से चल रहे थे। जहां कहीं भी उसकी नजर जाती उसे धुआं मच्छर गंदगी से भरी हुई जगह दिखाई देती और कहीं कहीं से तो सड़े हुए चमड़े की बदबू आ रही थी। और लेखक का भूख प्यास के मारे बुरा हाल था, इसलिए वह कोई होटल ढूंढ रहा था। तभी लेखक ने एक दुकान पर देखा कि चपातियां सेंकी जा रही थी। वह चपातियों की महक से आकर्षित होकर दुकान की ओर बढ़ गया। वहां एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। वह लेखक को घूर कर देखने लगा। लेखक ने धीरे से पूछा कि खाने को कुछ मिलेगा। दुकान के मालिक उस पठान हामिद खान ने एक बेंच की ओर इशारा करते हुए कहा, चपाती और सालन है। वहां चार पाई पर एक गंदे तकिए पर कोने टिकाकर एक बूढ़ा व्यक्ति हुक्का पीला पी रहा था, जो कि हामिद खान का पिता था। उस अधेड़ उम्र के आदमी हामिद खान ने पूछा, भाईजान आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिल्कुल अलग सा वो दिखाई दिया लेखक उसे। तो उसने पूछा कि भाईजान आप कहाँ के रहने वाले हैं? लेखक ने बताया कि वह भारत के मालाबार का रहने वाला है। उस व्यक्ति ने शंका व्यक्त की कि क्या वह हिंदू होकर मुसलमानी होटल में खाना खाएगा। उसे समझ में नहीं आया कि वो एक हिंदू है और मैं मुसलमान हूं और मेरे मुसलमानी होटल में खाना खाएगा। लेखक ने हाँ करते हुए कहा कि हमारे यहाँ यानी भारत में बढ़िया पुलाव खाने के लिए लोग मुसलमानी होटलों में ही जाते हैं। उस आदमी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। लेखक ने उसे बताया कि हमारे यहाँ हिंदू और मुसलमानों में कोई फर्क नहीं है, सब मिलजुल कर ही रहते हैं। यहाँ पर हिंदू मुसलमानों के दंगे ना के बराबर होते हैं। उस आदमी ने लेखक की बात को ध्यान से सुना और कहा, काश मैं आपके मुल्क आकर ये सब अपनी आंखों से देख सकता। उसे लेखक की बात पर तो पूरा भरोसा हो गया, पर इस पर विश्वास नहीं कर सका कि वो हिंदू है। यहाँ पाकिस्तान में कोई हिंदू किसी मुसलमान के साथ ऐसी बातें नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि हिंदू हमें आतताइयों की औलाद समझती है। हिंदू लोग जो है वो समझते हैं कि हम आतताइयों की औलादे हैं। हामिद ने खाने की तैयारी करने के लिए एक लड़के को कहा और धीरे से बोला, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। अगर हिंदू मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। तभी एक लड़के ने थाली में चावल लाकर रख दिए। हामिद खान ने 4 चपातियां रख दी और लोहे की तश्तरी में सालन परोसा।
साफ पानी से भरा एक कटोरा भी रख दिया। लेखक ने बड़े चाव से भरपेट खाना खाया। खाना खाकर लेखक ने हामिद खां को पैसे देने चाहे। हामिद खां ने हंसते हुए कहा कि भाईजान माफ कीजिएगा, पैसे नहीं लूंगा, आप मेरे मेहमान हैं। लेखक ने कहा, मेहमान की बात अलग है, पैसे तो आपको लेने ही पड़ेंगे। 1 रुपए का नोट हामिद खां को दे दिया। हामिद खां ने रुपया लेखक लेकर फिर लेखक के हाथ में रख दिया, यानी कि हामिद खां ने लेखक से कोई रुपए नहीं लिए, कोई पैसे उससे नहीं लिए, और कहा, भाईजान मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूं कि यह आप ही के हाथों में रहे। आप जब भारत पहुंचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। लेखक जब तक्षशिला के खंडरों को देखकर भारत लौट आया तो उसके बाद उसका हामिद खां से कभी कोई संपर्क नहीं हुआ, पर हामिद खां की वह आवाज, उसके साथ बिताए क्षणों की यादें आदि आज भी उसके अंदर ताजा है। लेखक प्रार्थना करता है कि तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी वह दुकान, जिसने एक भूखे को दोपहर की छाया और खाना देकर संतुष्ट किया था, हमेशा सलामत रहे, हमेशा बची रहे। क्लियर? किसी को इसमें कोई डाउट? ओके, फाइन, गुड। आज आपका टेस्ट है, 4 बजे आपको टेस्ट डाल दिया जाएगा, और आप लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट करके उसकी पीडीएफ बनाकर 4:45 तक मुझे भेज देनी है, 4:50 तक। ओके, टेस्ट अटेम्प्ट करके पीडीएफ बनाकर आप मुझे भेजेंगे, आपका टेस्ट चेक करके आपको रिसेंड कर दिया जाएगा। ओके, क्लियर? इसके बाद बेटा आज हमने डिस्कस करने हैं संवाद, संवाद लेखन, लेखन कौशल की एक और विधा, संवाद लेखन। आप लोगों के साथ मैंने कुछ रूब्रिक्स डिस्कस किए थे जब हमने पत्र किया था। मैंने आपको बताया था कि पत्र का फॉर्मेट बहुत जरूरी है, उसका टॉपिक, उसका विषय, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स, प्रेजेंटेशन, स्पेलिंग्स, लैंग्वेज, सेंटेंस फॉर्मेशन, ये सब चीजें बहुत ही जरूरी है। उसके बाद हमारी डिस्कशन हुई थी कि मैंने संवाद लिखा था लेकिन मेरे मार्क्स नहीं आए, व्हाट इज द रीजन? रीजन ये था कि आपके सेंटेंस फॉर्मेशन में गड़बड़ थी। आपने जब एग्जाम में संवाद लिखे थे तो बहुत ही लंबे लंबे संवाद लिखे थे, दो दो तीन तीन पेज का संवाद। इतना बड़ा संवाद हमने नहीं लिखना है, हमने 6 से 8 डायलॉग्स में अपनी बात करनी है। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आप लोगों ने हेलो हाय से शुरू नहीं करना, तुम कैसी हो, हेलो हेलो, तुम कैसी हो, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो, मैं भी ठीक हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैं यहाँ सामान खरीदने आई हूँ। 8 डायलॉग तो यहीं पे पूरे हो गए, संवाद खत्म हो गया। नो, इस तरह से आपने संवाद नहीं लिखना है। आपका संवाद जो है 6, 8, मैक्सिमम 10, उसमें खत्म हो जाना चाहिए, दोनों के कुल मिलाकर। ओके, और हर बार ब्रैकेट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, मुस्कुराते हुए, रोते हुए, निराश होते हुए, बाहर जाते हुए, अंदर जाते हुए, नो, हर बार ब्रैकेट्स में नहीं लिखना। जैसे आप लोगों को संवाद दिया गया था कि गणित विज्ञान के दो विद्यार्थियों के बीच में संवाद था, उसमें आप ऊपर एक लाइन में लिख दीजिए, एक दो बच्चों ने लिखा था, ऊपर आप एक दो लाइंस में लिखिए,
दो विद्यार्थी परीक्षा देकर कक्षा से बाहर आते हैं और चर्चा करते हैं, या परीक्षा संबंधी चर्चा करते हैं, ठीक है। या जैसे एक हम अभी डिस्कस करते हैं, जंक फूड पर जागरूकता उत्पन्न करने हेतु माँ तथा पुत्र में संवाद। माँ अपने बेटे को बताना चाहती है कि तुम्हें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे ऊपर, जंक फूड के बारे में माँ और बेटा बात कर रहे हैं, ठीक है। या रसोई घर में खड़ी माँ अपने बेटे को जंक फूड ना खाने के लिए कह रही है, या जंक फूड ना खाने के लिए प्रेरित कर रही है। ऊपर एक लाइन ब्रैकेट में लिखो और फिर नीचे संवाद शुरू कर दो। एक सीन आपने डिस्क्राइब कर दिया कि कहाँ पर खड़े हैं, किसके बीच में बात हो रही है और क्या बात हो रही है, किस चीज को लेकर बात हो रही है, ठीक है। इस तरह से आपने संवाद शुरू करना है। या जैसे आपको था यातायात के नियमों की सीख देते हुए अध्यापिका और छात्रा के बीच में संवाद, कक्षा में अध्यापिका छात्राओं को यातायात के नियमों का पालन करने की बात समझा रही है। ब्रैकेट में लिखो, नीचे संवाद शुरू कर दो। छोटा सा ऊपर आपने डिस्क्रिप्शन दे दिया कि कहां बात हो रही है, किसके बीच में हो रही है, किस बात को लेकर हो रही है, ये जरूर लिखिए उसमें, ओके। फिर नीचे से संवाद शुरू कीजिए, ओके। दो तीन मिनट दूंगी, हेडिंग लिख रही हूँ, दो तीन मिनट दूंगी, मुझे सोच के आप लोगों ने बताना कि हम क्या संवाद लिखेंगे। हेडिंग नोट करो सब लोग। ओके, टेक टू थ्री मिनट्स और मुझे ये बताओ कि आप लोग क्या लिखोगे इसमें। जंक फूड संबंधी जागरूकता उत्पन्न करने के लिए माँ और पुत्र में संवाद। वीडियोज ऑन करो बेटा, ताकि मुझे पता रहे आप लोग लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। टर्न ऑन योर वीडियोज प्लीज। टर्न ऑन योर वीडियोज प्लीज। स्टार्ट किया किसी ने, स्टार्टिंग लिखी, स्टार्टिंग लिखी, रेज योर हैंड्स। वत्सल वीडियो बंद होगी बेटे। जिसने स्टार्टिंग लिखी हाथ खड़ा करो। ओके,
हां जी रिधिमा बताइए बेटा। मैम मैं अभी लिख रही थी, मुझे लगा आप पूछ रहे हो किन किन ने लिख लिया है। कोई बात नहीं, आपने जो शुरू किया रिधिमा वो बताइए बेटा मुझे। ये संवाद है, ये जो संवाद है ये एक माता और एक पुत्र के बीच का हुआ हुआ है। देखो दोनों देखो माता ने देखो देखो रिधिमा, पहली लाइन में ही गड़बड़ हो गई। ये जो संवाद है ये एक माता और पुत्र के बीच हुआ हुआ है। नो, हुआ है। आप अभी लिखने जा रही हैं, आप ये कहेंगी कि माँ और बेटे के बीच में जंक फूड को लेकर बातचीत हो रही है, उसके भी बाद में आपने बतानी है। या आप लिखिए, रसोई घर में खड़ी माँ अपने बेटे को जंक फूड के बारे में बता रही है। आपने ये नहीं लिखना कि ये संवाद हो रहा है, ये संवाद होने वाला है, ये संवाद हुआ था, ऐसे नहीं लिखना। ओके ठीक है, हाँ जी आगे। मैम आगे अभी लिख के दोबारा फिर बताती हूँ। ओके फाइन, नेक्स्ट रेज योर हैंड। कौन बताएगा किसने लिखा? रमनीक, क्या लिखा है बताइए, शुरू से पढ़िए। ब्रैकेट वाले ही लिखा है अभी फर्स्ट डायलॉग के लिए। बेटे लिखो मत, उसको सोच लो, लिखने मत बैठो, उसको मन में सोच के मुझे बताओ कि क्या होगा। यस मैम, जस्ट 2 मिनट्स में मैं आंसर ओके दूंगी। ओके, टेल मी योर थॉट्स कि आप क्या लिखोगे। आप सीधा, मैंने आपको पहले भी कहा था, एग्जाम में सीधा लिखना नहीं शुरू करोगे, पहले अपने माइंड में थॉट्स लेकर आओ कि ये बात हो रही है, माँ ऐसे कह रही है, बेटा ऐसे कहेगा, फिर माँ ये कहेगी। सबसे पहले अपने मन में थॉट्स लेके आओ, बाद में ऑर्गेनाइज करके उसको लिखो, पर सोचने में ही 10 मिनट नहीं लगा देने हैं। ओके, हाँ जी गुरजात। मैम ये लिख सकते हैं कि माँ रसोई घर में खाना बना रही है और पीछे से बेटा आता है और माँ कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुंह लटकाए पेट पर हाथ धर कर क्यों आ रही हो। फिर बेटा कहता है कि मेरा पेट दुख रहा है। एंड फिर आगे संवाद ऐसे शुरू कर सकते हैं। नहीं, पूरा तो ऐसे आपने करना ही नहीं। आप ये लिखो गुरजात कि रसोई घर में माँ खाना पका रही है और बेटा माँ के पास आता है, ब्रैकेट खत्म। उसके बाद डायलॉग शुरू कर दो, बेटा आया, माँ मेरा बहुत जोर से पेट दर्द हो रहा है। माँ, अरे क्या हुआ, क्यों इतना पेट दर्द हो रहा है, शायद कल जो रात को पिज्जा खाया था उसके कारण। तो बेटा कहता है, हाँ शायद, आपने मना भी किया था, मेरा पेट पहले से भी ठीक नहीं था और मैंने कल पिज्जा खा लिया। फिर माँ कहती है, आगे उसका डायलॉग शुरू हो गया आपका, ठीक है। जब आपने ये बात कही कि माँ रसोई में खाना पका रही है और बेटा उनके पास आता है, वहां ब्रैकेट बंद, आगे से डायलॉग शुरू कर देने हैं आपने। उनकी बातचीत को ऊपर नहीं लिखना पैराग्राफ में, जो भी बात है वो सीधी डायलॉग में लिखनी है। ठीक है गुरजात, समझ में आया? मैम एक्चुअली मैंने डायलॉग ही बोला था, मतलब वैसे आइडिया दिया था, इट ओके फाइन, वाज अ ठीक है बेटा, ठीक है। डायलॉग। थैंक यस रिधिमा, यस मैम। माता अपनी सहेली के साथ फोन पे बात कर ही रही थी फास्ट फूड के बारे की, तभी बेटा आता है। माता, बेटा तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी शक्ल क्यों बनाई हुई है। बेटा, माता माताजी मैं कल जब बाहर गया था तो तभी जब मैंने वहां खाना खाया था तो तभी से मेरी तबीयत मुझे ठीक लग रही थी। माता, चलो ठीक है सहेली, मैं तुम्हें बाद में करती हूँ, बेटे का कुछ जरूरी काम है। देखो देखो देखो, अब ये जो बात है ना, सहेली का एक फालतू में डायलॉग लिखा आपने, उसको ब्रैकेट में लिखो। माँ फोन रख देती है और बेटे से कहती है, ठीक है, फिर बेटे का डायलॉग। उसको सहेली को कहती है, फोन रखती हूँ, बेटा ठीक नहीं है, ये कहानी नहीं लिखनी।
हम कहानी नहीं लिख रहे हैं, वी आर नॉट राइटिंग स्टोरी. जब आप स्टोरी लिखते हैं तब आप उसमें सारी डिस्क्रिप्शन देते हैं, संवाद में सारी डिस्क्रिप्शन नहीं देनी आपने. ओके आगे. ओके माता तुम्हें क्या हुआ है, तुमने कल क्या खाया था? ऐसा बेटा, माता जी मुझे लगता है जब मैंने बाहर का खाना खाया तो उसी के बाद मेरी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई है. माता मैंने तुम्हें कहा था कि बाहर का खाना मत खाया करो, एक ऊपर से कोविड चल रहा है और तुम बाहर का खाना खाते हो. देखो, ये अब इसमें हमने अपनी लेमैन लैंग्वेज नहीं यूज करनी. जैसे हम लोग अपनी डेली रूटीन में बात करते हैं ना, हम वैसे ही लिख रहे हैं, एक तो ऊपर से कोविड चल रहा है. ये हिंदी भाषा नहीं है, ये हमारी लेमैन लैंग्वेज है जो हम अपनी रेगुलर रूटीन में यूज करते हैं. आप ऐसे लिखोगे, एक तो पहले ही कोरोना का कहर चल रहा है और तुम बाहर का खाना खा रहे हो. ऊपर से नहीं लिखना, एक तो पहले ही ऊपर से कोरोना चल रहा है, ऊपर से ये कर लिया. जो हम घर में अपने जैसे बात करते हैं ना, वैसे नहीं लिखना. ठीक है, हमने ये मानकर लिखना है कि हम लेखन कौशल कर रहे हैं. सिंपल सीधी लैंग्वेज में लिखोगे, अपनी लेमैन लैंग्वेज में नहीं लिखना. ओके चलो आगे. बेटा माता माता जी आगे से मैं ऐसा नहीं खाऊंगा, मगर अभी मुझे आप कोई दवाई या कुछ दे दीजिए. माता जी माता ठीक है, मैं तुम्हें दवाई दे देती हूँ और अपना ध्यान रखो. और बाहर का फास्ट फूड खाने से कुछ नहीं होता, सिर्फ एक हमें एक ही बार का स्वाद आता है मगर बाद में बहुत ही तबीयत खराब हो जाती है. तुम इस कोरोना के काल में अपना ध्यान रखो. ओके फाइन, आपके थॉट्स ठीक है रिधिमा, सेंटेंस फॉर्मेशन में थोड़ी गड़बड़ है और लिखने में थोड़ा सा हमें लैंग्वेज का ध्यान रखना पड़ेगा. ये नहीं लिखना आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा आगे से, क्योंकि हम पंजाबी लोग हैं ना, तो हम लिखते हैं अग्गे तो आपा ऐदा नहीं करना, अग्गे तो ऐदा ना करी. हम अपने घर में सुनते हैं और उसी को हम हिंदी में भी ले आए हैं कि आगे से ऐसा मत करना. उसमें आपने लिखना है अब कभी ऐसा मत करना, अब तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए. आगे से शब्द यूज मत करो कभी भी लिखते हुए, ठीक है? चाहे आप पत्र लिख रहे हो, चाहे आप लिखा दीदा तो ऐसी आपने बोला ना कि रफी, ठीक है वो आपकी बात ठीक है रिधिमा. आई अप्रिशिएट कि आपने मुझे बताया, आपने अपने थॉट शेयर किए, आई अप्रिशिएट यू, वेल डन. लेकिन आपने जो बोला मैं उसको ठीक कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको हमेशा ये बात कहती हूँ, हम जो बोलते हैं हम वही लिखते हैं, ठीक है? इसलिए हमें अपने बोलने में भी बेटा सुधार लाना पड़ेगा. ओके ओके ओके. और किसने लिखा? रेज योर हैंड्स, कौन अपने थॉट्स शेयर करना चाहेगा? वत्सल, ब्रिजेश, रिधिका, रुद्र, कीर्तिमा, लीजा, पनिका, मेहर, जसप्रीत, हावे, शर्मीत, गगन, आर्यन, नो वन. ओके अर्शप्रीत, आप पढ़िए क्या लिखा आपने. यस मैम. माता जी अपने पुत्र को जंक फूड के बारे में बताते हुए कह रही हैं. नो मैम. एक मिनट अर्शप्रीत, अर्शप्रीत एक मिनट. रिधिमा एक आपने दो तीन बार उसमें बोला फास्ट फूड, आपने फास्ट फूड नहीं लिखना, आपको क्वेश्चन में है जंक फूड, तो आप जंक फूड लिखेंगे, फास्ट फूड नहीं लिखेंगे. चाहे मतलब दोनों का सेम है. ओके हाँ जी अर्शप्रीत बताइए बेटा. माता जी रसोई घर में खाना बना रही होती हैं और बेटा आता है खाना तो पकाना कहता है, माता जी खाना पका रही होती हैं नहीं लिखना. माता जी रसोई घर में खाना पका रही हैं और पुत्र उनके पास आकर कहता है.
एक आप लोग कहते हो उसने खाना शुरू, उसने बोलना शुरू कर दिया, उसने बात कहनी शुरू कर दी। ये शुरू शब्द ऐसे मत यूज करो, होती शब्द इतना ज्यादा यूज मत करो, सिंपल लिखो। माता जी खाना पका रही है और पुत्र उनके पास आता है और कहता है और कहता है बेटा माता जी मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, क्या मैं बाहर से कुछ खाने के लिए मंगवा लूं? माता जी मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि रोज रोज बाहर का खाना मत खाया करो, ऐसी चीजें हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती हैं। बेटा माता जी लेकिन मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है और मुझे जंक फूड बहुत ज्यादा अच्छा, यह सब चीजें स्वाद के लिए तो ठीक है लेकिन हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी नहीं। मामा भी इतना ही लिखा था। ओके चलो मैं इसको अभी वाइंड अप कर रही हूँ और आप लोगों को बता रही हूँ कि कैसे लिखा जाना चाहिए। एक बार मैं लिखा हुआ पढ़ रही हूँ, ठीक है। पुत्र कहता है माँ आज मैं टिफिन में केवल पिज्जा बर्गर और कोका कोला लेकर जाऊंगा। माँ बेटा तुम्हें इस उम्र में जंक फूड नहीं खाना चाहिए बल्कि पौष्टिक आहार खाना चाहिए। पुत्र मगर माँ मेरे सारे मित्र ऐसा कुछ ही लाते हैं। माँ यदि वे लाते हैं तो उन्हें भी समझाओ। क्या समझाऊं माँ? माँ यही कि जंक फूड उन्हें केवल मोटा बनाएगा स्वस्थ नहीं। जो पौष्टिकता दालों सब्जियों में मैदे में होती है, जो दालों सब्जियों आदि में होती है वो मैदे में नहीं है। पुत्र क्या यही कारण है कि मेरे सभी मित्र मोटे हो रहे हैं और खेलते हुए बहुत जल्दी थक जाते हैं? माँ हाँ बेटा जंक फूड हमें बीमार ही करता है, तंदुरुस्त नहीं रहने देता। पुत्र समझ गया माँ, आज से मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा। बस उसमें देखो छोटा सा डायलॉग लिखा और उसमें पौष्टिकता की बात भी की, उसमें ये भी बताया कि ये हमें बीमार रखता है, हमें मोटा कर देता है, हमें बीमारियां करता है। छोटा सा डायलॉग लिखा, चार पांच छह डायलॉग्स में सारी बातें उन्होंने अपनी कह दी, ठीक है। इस तरह से आपने बिल्कुल छोटा सा लिखना है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं उसमें लिखनी। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? किसी को इसमें कोई डाउट? ओके और जो आज का हमारा टेस्ट है उसमें किसी को कोई परेशानी आ रही हो तो पूछ लो। ओके गुड।